आज आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में तहे दिल से हाथ जोड़कर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास टाटा कंपनी की अल्ट्रोज गाड़ी आई हुई है। ये देख सकते हैं, टाटा कंपनी की अल्ट्रोज गाड़ी है। तो फ्रेंड, ये कल हमारे पास टोइंग करके आई हुई है। इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताएंगे। पहले तो आप देख सकते हैं, इसका जो क्लच का पैडल आता है, ये देखिए क्लच का पैडल, वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। ये देखिए, तो इसके कारण से प्रॉब्लम क्या है, ये गाड़ी जो हमारी है स्टार्ट भी नहीं होती है। देखिए, सिर्फ इग्निशन ऑन होता है, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। क्योंकि फ्रेंड, इसके क्लच में सेंसर आता है, जब तक इसका क्लच का पैडल पूरी तरह से हार्ड नहीं हो सक हाथ होता है, तब तक वो क्लच का पैडल जो सेंसर है सेंस नहीं करेगा। क्लच हमारा वर्क करेगा तो ही हमारा गाड़ी स्टार्ट होएगा। देखिए, हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा जब तक क्लच का हमारा पैडल का जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगा। तो क्लच के पैडल की वजह से क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो गियर है वो भी नहीं गिरता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग भी प्रॉब्लम है और गियर शिफ्टिंग भी प्रॉब्लम है। तो इसका हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे, बोनट ओपन करके जो कंटेनर आता है उसमें चेक करते हैं कि ऑयल है या नहीं है। क्योंकि फ्रेंड, इसमें क्या आता है, क्लच सिलेंडर आता है, स्लीव सिलेंडर आता है। तो इसका या तो क्लच सिलेंडर या तो स्लीव सिलेंडर, दोनों में से कोई एक लीकेज हो गया रहेगा। इसके लिए हमारा क्लच का पैडल नहीं है, इसमें फ्रेंड केबल नहीं आता है, सिलेंडर आता है। हम सबसे पहले इसका ब्रेक ऑयल चेक करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, इसमें ब्रेक ऑयल नहीं है, ब्रेक ऑयल पूरा खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत नीचे दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको पंप करते थोड़ा और देखते कहाँ से लीकेज है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा इसको स्टैंड कर लीजिए, हाइट कीजिए, फिर पंप करके चेक करते हैं कि नीचे से कहाँ से ऑयल लीकेज है हमारा। फ्रेंड, हमने गाड़ी को हाइट पे ले लिया है, अब इसका हम क्लच पंप करके और चेक करेंगे कि हमारा जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम कहाँ से है। तो अंसारी जी, इसका क्लच पंप कीजिए। ठीक है फ्रेंड, आप पंप कीजिए, करते रहिए। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये नीचे का जो गियरबॉक्स का हिस्सा है ये पूरी तरह से गिल्ला है। तो हमें लगता है इसका जो क्लच का स्लू सिलेंडर आता है वो फेल हो गया है। देख सकते हैं, ये ब्रेक ऑयल से पूरा भीगा हुआ है, यहाँ पे ये हिस्सा है, देखिए देख रहे हैं। तो इसके अंदर से हमारा जो ब्रेक ऑयल है वो बाहर आ रहा है। तो फ्रेंड, हमें इसका ना गियरबॉक्स ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्लू सिलेंडर आता है वो गियरबॉक्स के अंदर दिया रहता है। हाइड्रोलिक स्लू सिलेंडर इसका आता है। तो फ्रेंड, हम इसका गियरबॉक्स बाहर लेते हैं और गियरबॉक्स बाहर लेकर और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका स्लीव सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड, तो हम इस बाकी गाड़ियों में क्या होता है फ्रेंड, टाटा विस्टा में, मांजा में, उसका स्लीव सिलेंडर ऊपर ही दिया रहता है गियरबॉक्स से ऊपर। तो ऊपर से आदमी चेंज कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है, गियरबॉक्स ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये गाड़ी में फ्रेंड गियरबॉक्स के अंदर दिया है, तो इसके लिए हमें इसका गियरबॉक्स ओपन करना पड़ेगा। तो हम इसका गियरबॉक्स ओपन करना चालू कर रहे हैं, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसका हम गियरबॉक्स ओपन करके और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं बैटरी का ट्रे, एयर फिल्टर का बॉडी, जो भी आधे पार्ट्स है वो हमने ओपन कर लिया है। इसका हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसका स्लू सिलेंडर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए इसका स्लीव सिलेंडर है, ये वाला पार्ट्स देख सकते हैं, गियरबॉक्स के अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें इसका गियरबॉक्स ओपन करना पड़ा है। तो अब हम इसे बाहर लेकर फिर आपको दिखाते हैं। ऊपर से बाकी सारी चीज़ें को लिया गया, देख सकते हैं इसका गैस शिफ्टर केबल उबल सब खोल के इधर साइड में रखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्टिंग केबल उबल। ठीक है फ्रेंड, तो ऊपर से हमारा ओपन हो चुका है, नीचे से एक्सल एक्सल ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे से एक्सल एक्सल बाहर निकाल कर और उसके बाद से इसका राउंडिंग का बोल्ट ओपन करके और उसका गियरबॉक्स बाहर लेकर फिर हम आपको दिखाते हैं। ये सारे चीज़ें ओपन हो चुका है, देख सकते हैं इस साइड से हमने एक्सल एक्सल भी ओपन कर दिया है नेकल से। ये हमारा गियर ऑयल ड्रेन हो रहा है, ये देख सकते हैं इसका गियर ऑयल है,
तो फ्रेंड इसका गेरोल भी बहुत ख़राब दिख रहा है, तो हम इसका गेरोल भी रिप्लेस करेंगे। देख सकते हैं मट्टी जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसका गेरोल ड्रेन करके और इसके बाद हम एक दोनों एक्सल बाहर निकाल के फिर राउंडिंग का बोल्ट ओपन करके फिर गेरोल बाहर लेंगे। ये चीज़ें हमने ऊपर करके इधर रख दिया, देख सकते हैं। इसका बैटरी का ट्रे है, बैटरी एयर फिल्टर बॉडी है, ट्रे इसका डीजल फिल्टर बॉडी है। इसका गियरबॉक्स ओपन करने के लिए डीजल फिल्टर बॉडी भी ओपन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ओपन करनी पड़ती है फ्रेंड। तो फाइनली फ्रेंड हम इसका गियरबॉक्स बाहर ले रहे हैं। एक राउंडिंग का बोल्ट हमने फंसा के रखा था, उसे ओपन कर रहे हैं। ये राउंडिंग का बोल्ट ओपन करके फिर हमारा गियरबॉक्स बाहर आ जाएगा। तो फाइनली फ्रेंड हम इसका गियरबॉक्स बाहर ले रहे हैं, देख सकते हैं हमने नीचे ले चुके हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं ये पूरी तरह से ऑयल लीकेज हो चुका है, देखिए पूरा ऑयल भरा है, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसे पहले पूरा वॉश करेंगे और वॉश करके ये जो स्लू सिलेंडर जो क्लच बेयरिंग है इसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्लच बेयरिंग बाहर निकालते हैं इसको। पहले फ्रेंड आपको ये लॉक निकालना पड़ेगा, लॉक निकाल के जो पाइप दिया है बाहर इसको आपको पहले निकालना पड़ेगा, देखिए इस तरह से, इसके बाद ही आपका बेयरिंग बाहर आएगा, ठीक है। तो अब हम बेयरिंग बाहर लेते हैं। इसका दोनों बोल्ट हमने ओपन कर दिया, 10 का 2 बोल्ट है, अब इसे बाहर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड इसके अंदर पूरी तरह से फंस चुका है, जाम हो चुका है, बाहर लीजिए, ठीक है। तो इसका क्लच बेयरिंग है फ्रेंड, हाइड्रोलिक वाला, देखिए पूरी तरह से एकदम लीकेज हो चुका है, देखिए ऑयल से पूरा भीगा हुआ है। इसका नया बेयरिंग अरेंज करते हैं, अरेंज करके फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड हम इसका क्लच भी बाहर ले रहे हैं, बाहर लीजिए, ये जैसे थे इसका हमने क्लच बाहर ले लिया है, ये देखिए ये पूरा ब्रेक ऑयल जाके पूरा कचरा नीचे फ्लाईव्हील में फंस गया है, देखिए पूरे फ्लाईव्हील में इसका कचरा है। हाथ से थोड़ा दिखाइए अंसर जी, ये देखिए इसको फ्लाईव्हील को हम अच्छे से पूरी तरह से पेट्रोल से साफ करके और उसके बाद इसका क्लच रिप्लेस करके और फिर इसको फिट करेंगे। ये देखिए इसका क्लच है, ये देखिए ये पूरी तरह से भीग चुका है, देखिए एक क्लच स्लिप मारेगा फ्रेंड, देखिए अभी भी स्लिप मार रहा है। अगर हम इसे रिप्लेस नहीं करेंगे तो पूरा स्लिप मारेगा, गियर शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए प्रेशर प्लेट का हालत, प्रेशर प्लेट का हालत क्या है, पूरी तरह से ऑयल से भीग चुका है, देखिए। तो हम इसका प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट दोनों रिप्लेस करेंगे और इसका क्लच बेयरिंग। फ्रेंड हमने देख सकते हैं ये गियरबॉक्स को पूरी तरह से वॉश करके ले लिया है, देख सकते हैं पानी के प्रेशर से। अब इसको हम हवा मार के क्लीन करके और उसके बाद इसका क्लच बेयरिंग जो है फिट करेंगे। हवा मारी, हवा चाली, ये हमारा गियरबॉक्स पूरी तरह से नया हो चुका है। तो फ्रेंड हमने गियरबॉक्स को पूरी तरह से एकदम चकाचक साफ कर दिया है। अब इसका जो क्लच बेयरिंग है वो हम फिट करेंगे और फिट करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसका क्लच बेयरिंग है, टाटा का हमारा जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट है, ठीक है फ्रेंड। ये हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, ये देखिए ये इसका नया क्लच बेयरिंग है और ये इसका जूना वाला है, ये देख सकते हैं पूरी तरह ऑयल से भीगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इस बेयरिंग को फिट करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम इसमें ग्रीस लगाएंगे। इसमें फ्रेंड 2 10 के बोल्ट आते हैं, कैसे टच कर लीजिएगा। ऊपर एक वाल है, वो वाल लगाने के बाद ये बोल्ट को फाइनल टाइट कीजिएगा। ऑयल सप्लाई के लिए वाल दिया है तो इसमें भी हम थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे। ये रिंग पे देखिए आगे रिंग है, प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। अब इस बोल्ट को हम फाइनल टाइट करेंगे, क्लच बेयरिंग के बोल्ट को। ये हमारा क्लच बेयरिंग पूरी तरह से फिट हो चुका है। तो फ्रेंड इसका सिर्फ हमें क्लच बेयरिंग अभी फिलहाल अवेलेबल हुआ है, इसका क्लच प्लेट अवेलेबल नहीं है, तो हमने ऑर्डर दिया है तो शाम तक बोला है हमें देने के लिए। तो जैसे इसका क्लच प्लेट आएगा वैसे हम आपको क्लच फिट करके और उसका क्लच प्लेट भी दिखाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि हमें इसका बेयरिंग अरेंज हो गया है, इसका क्लच अरेंज नहीं हुआ था, हमने बेयरिंग फिट कर दिया है। ये क्लच देख सकते हैं आज सुबह सुबह हमें अरेंज हुआ है, ये देख सकते हैं टाटा का जेन्युइन पार्ट है, ये क्लच प्लेट है, तो देख सकते हैं इसका क्लच प्लेट है। आपको सेम भी दिखाते हैं, सेम है कि नहीं, देखिए देख सकते हैं
ठीक है फ्रेंड, कभी भी आप नया क्लच प्लेट लाते हैं तो इसको टॉप शॉप में डालकर चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपका ये टॉप शॉप में बराबर जाता है कि नहीं। देख सकते हैं इस तरह से, और डालने के बाद भी इसमें प्ले चेक कर लीजिएगा कि ज़्यादा प्ले तो नहीं है, नहीं तो आपका क्लच स्लिप मार देगा, गियर गिरेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से ओके है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लच प्लेट हो गया, ये हमारा प्रेशर प्लेट है, देख सकते हैं ये भी टाटा का जेन्युइन पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे टाटा का लोगो है, देखिए ये हमारा प्रेशर प्लेट है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा क्लच प्लेट हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं जूना वाला क्लच प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट है, क्लच बेयरिंग है, और हमने जो फ्लाईव्हील कल आपको बोला तो वो भी साफ करके ले लिया है पूरी तरह से, देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम क्लच को फिट करना चालू करेंगे, तो अब क्लच को हम फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्लाईव्हील को हमने पूरी तरह से साफ करके मस्त पेपर मार के रखा है, अब इसका हम क्लच फिटिंग करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं इसका क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट है, ये हमारा नया क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट है। एंड आप देख सकते हैं ये हमारा क्लच फिट हो चुका है, एक बार फाइनल हाथ मार के बोल्ट को पूरा चेक कर रहे हैं। इसमें टोटल 6 बोल्ट आते हैं फ्रेंड, 10 के। ठीक है, तो ये हमारा क्लच पूरी तरह से फिट हो चुका है, अब हम इसका गेयरबॉक्स जो है फिटिंग करना चालू करेंगे। गेयरबॉक्स को हमने अंदर ले लिया है, अब इसे चढ़ा कर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा गेयरबॉक्स चढ़ चुका है, अब हम इसका राउंडिंग का एक बोल्ट लगाएंगे। इधर का राउंडिंग का बोल्ट दो, बोल्ट लगाओ जरा, फंसाओ जरा। हमने दो राउंडिंग का बोल्ट फंसा कर टेम्परेरी इसको ले लिया है। ठीक है, तो हम इसका दो बोल्ट क्रॉस में टच करते हैं, टच करके इसका गियर का जो ऊपर का माउंट है उसको फिट करके उसके बाद फाइनल इसका जितना भी राउंडिंग है, एक्सल है, जो भी है, फाइनल टाइट करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा गेयरबॉक्स पूरी तरह से चिपक चुका है, देख सकते थोड़ा भी गैप नहीं है गेयरबॉक्स में। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी का हम राउंडिंग लगाएंगे, एक और राउंडिंग का बोल्ट लगा लो, फिर ऊपर का गियर माउंटिंग लगाओ। देख सकते हैं ये ऊपर से बाकी सारी चीज़ें जितनी आती है, बैटरी ट्रे और बैटरी छोड़ के वो सारी चीज़ें हमने फिट कर दी है। इसका हम अब एयर ब्लीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड क्या है, पूरा फिट करने के बाद हमको एयर ब्लीडिंग करने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं हमने इसका निप्पल लूज करके रखा है, तो देख सकते हैं यहाँ से वायर गिर आयल गिर रहा है, देखिए देख रहे हैं। तो फ्रेंड आप कभी भी एयर ब्लीडिंग करना रहेगा तो इसका निप्पल लूज करके थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, जब इधर प्रेशर से आयल कंटिन्यू आने लगेगा तो आप समझ लीजिएगा आपका एयर ब्लीडिंग हो चुका है, आपका पेडल भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये देखिए ऐसा आ चुका है, अब हम इसको टाइट करेंगे। तो हमने एयर ब्लीडिंग का जो निप्पल आता है, देखिए क्लच सिलेंडर का, ठीक है ये जो स्लू सिलेंडर का, देखिए उसमें निप्पल लगा रहता है क्लच बेयरिंग में, तो उधर से हमने यहाँ से एयर ब्लीडिंग किया है इसको लूज करके। तो अभी हमने इसको लॉक कर दिया है, अब हम थोड़ा पंप करके पेडल चेक करेंगे। तो पंप कीजिए, बाकी सारी चीज़ें जो साइड से आते हैं वो हमने फिट कर दिया, देख सकते हैं इसका हमने एक्सल एक्सल लगा दिया है, ये लिंकेज उनके जो भी ओपन किया था नीचे से लोरम वोरम वो सारे दोनों बाजू के फिट हो चुके हैं, सिर्फ हमारा एयर ब्लीडिंग बाकी है। ठीक है फ्रेंड, तो हम एयर ब्लीडिंग करके और उसके बाद ऊपर का जो भी बैटरी ट्रे बैटरी वैटरी छोटा मोटा जो भी हॉस पाइप एयर फिल्टर बाकी है उसे फाइनल फिट करेंगे। सबसे पहले हम इसका एयर ब्लीडिंग करेंगे, पंप करो जरा। हमारा एयर ब्लीडिंग हो चुका है कंप्लीट, देख सकते हैं अब हम इसका बैटरी का जो ट्रे था, बैटरी का ट्रे बैटरी और एयर फिल्टर बॉडी दो तीन आइटम जो बचा है उसको कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करके और उसके बाद से आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। इसका हमारा क्लच का पैडल भी आ चुका है, ज़रा पैडल दबा के दिखाइए, दबाइए, ये देखिए ये हमारा क्लच का पैडल भी हार्ड हो चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अब हम आपको छोटा मोटा जो
ऊपर का जी चीज़ बाकी है उसे कंप्लीट करके और गियर ऑयल भी डालना बाकी है फ्रेंड। गियर ऑयल भी डालकर और उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं हम। तो फ्रेंड ये बाकी जो सारी चीज़ें थी हमारी फिट हो चुकी है, अब हम इसमें गियर ऑयल डालने जा रहे हैं। ये देखिए हम इसमें नया गियर ऑयल डाल रहे हैं क्योंकि इसका जो ऑयल था गियर ऑयल पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। ऊपर लो और ऊपर लो, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें गियर ऑयल हम डालेंगे और गियर ऑयल डालने के बाद फिर इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके चेक करेंगे कि हमारा गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। फ्रेंड हमने 1 लीटर डाल दिया है, ये दूसरा लीटर डाल रहे हैं, तो इसमें हम आपको बताते हैं टोटल कितना जाएगा। तो फ्रेंड हमारा इसमें 2 लीटर ऑयल पूरी तरह से जा चुका है, ये देख सकते हैं एक डब्बा इधर है, एक डब्बा इधर है, हो गया खाली हुआ। तो फ्रेंड ये हमारा गियर ऑयल डालकर भी हो गया है, ठीक है फ्रेंड। अब इसका खाली बैटरी लगाना बाकी है, तो खाली इसका बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगा के फिर आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। पाइप निकालो, पाइप खींचो, नट लगा दो नीचे से। ये देख सकते हैं ये हमारा नीचे से गियर ऑयल गिर रहा है, हाथ उठाओ जरा। ये देखिए लगा दो, नट लगा दो। फ्रेंड इसमें हमने टोटल 2.5 लीटर गियर ऑयल डाला है। चलिए पाइप निकालिए, पाइप खींचे, पाइप खींचे, फटाक से खींचे, ठीक है फ्रेंड। तो खाली इसका बैटरी बाकी है, बैटरी हम लगाते हैं और बैटरी लगा कर फिर गाड़ी स्टार्ट करके गियर शिफ्टिंग चेक करके और उसके बाद इसका दोनों व्हील लगा कर हम डाउन करेंगे और एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे, ठीक है फ्रेंड। टाटा की अल्ट्रोज गाड़ी हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसे हमने व्हील भी नीचे कर दिया है, देख सकते हैं व्हील लगा के डाउन कर दिया है। ऊपर से हमने गेयरबॉक्स के लिए जो जो चीज़ें ओपन किया था पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। देख सकते हैं हमने इसका एयर फिटिंग भी कर दिया है क्लच का। ये ब्रेक ऑयल भी पूरी तरह से टॉपअप किया गया है, देखिए एकदम पूरा भरा हुआ है, देखिए, ठीक है फ्रेंड। ये देख सकते हैं पूरी तरह से हमने भर के रखा है। अब इस गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके हमारा गियर शिफ्टिंग चेक करते हैं कि हमारा क्लच का जो पेडल नरम हो गया था वो हार्ड हुआ है कि नहीं और गियर हमारा पूरी तरह से गिर रहा है कि नहीं, और गाड़ी भी थोड़ा आगे पीछे करके हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा क्लच का पेडल, ये देखिए ये पूरी तरह से हार्ड हो चुका है, ये पूरा नरम हो गया था क्योंकि हमारा जो क्लच सिलेंडर आता है, जो हमारा गियर में स्लू सिलेंडर आता है क्लच बेयरिंग, वहाँ से वो लीक होने के कारण पूरा ऑयल ड्रॉप हो गया था। तो इसके लिए जो हमारा क्लच का पेडल है वो नरम हो गया था और हमारा गियर शिफ्टिंग जो है कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है फ्रेंड। तो हमने उसका जो स्लू सिलेंडर आता है बेयरिंग उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। अब हम आपको गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके गियर शिफ्टिंग दिखाते हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप इधर पे देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम आपको अब गियर शिफ्ट करके दिखाते हैं, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा रिवर्स। हम आपको थोड़ा यूज करके भी दिखा देते हैं, ठीक है फ्रेंड। हम अब पीछे गाड़ी ले रहे हैं, हम फर्स्ट पेडल के आगे ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा गियर शिफ्टिंग में कोई तरह से प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे गाड़ी का जो प्रॉब्लम था गियर शिफ्टिंग का वो फ्रेंड सॉल्व हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा गियर शिफ्टिंग का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है और फ्रेंड इसका क्लच नरम होने के कारण हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती थी क्योंकि क्लच में इसका सेंसर देता है, जब तक आपका क्लच वर्क नहीं करेगा तब तक आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा क्लच भी पूरी तरह से हार्ड हो चुका है, वर्क भी कर रहा है, इसके लिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं। ये देखिए हम क्लच दबा के और गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए अगर हम क्लच नहीं दबाएंगे तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देखिए हमने क्लच से पैर हटाया है, देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे हम क्लच पे पैर रखते हैं दबाते हैं, देखिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड। ये हमारी गाड़ी जो टाटा की अल्ट्रोज गाड़ी है, गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम था और स्टार्टिंग प्रॉब्लम था वो हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी तो प्लीज़
हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।